जबकि ये जो दूसरी लिस्ट है उस दिन आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन मध्य प्रदेश के लिए भोपाल में थे। उन्होंने विशाल रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पहले बर्बाद हुई, अब बैंकरप्ट हुई और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। इसलिए कांग्रेस जमीन पर भी लगातार खोखली हो रही है। आजादी के बाद मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस का ही शासन रहा, लेकिन कांग्रेस ने साधन संपन्न मध्य प्रदेश को, समर्थ युवाओं वाले मध्य प्रदेश को बीमारू बना दिया। दोस्तों, बीमारू बना दिया। कांग्रेस सिर्फ एक परिवार का गौरव गान करने में ही जुटी रही। कांग्रेस ने प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना दिया। कांग्रेस भारत में भ्रष्ट व्यवस्था को पोषित करने में ही जुटी रही। तो मध्य प्रदेश के बाद प्रधानमंत्री राजस्थान पहुंचे, जहां जयपुर में उन्होंने रैली की। इस दौरान गहलोत सरकार पर बड़े हमले किए। जहां लाल डायरी में काली करतूते हो, हर कोई कट और कमीशन में व्यस्त हो, वहां कौन पैसा लगाना चाहेगा, कौन पूंजी निवेश करेगा? जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हो और सरकार मजबूर हो, ऐसे वातावरण में निवेश कैसे हो सकता है? जब कांग्रेस सरकार आतंकियों पर कार्रवाई के बजाय उन पर मेहरबान हो, जब कांग्रेस सरकार अपराधियों को खुली छूट दे रही हो, तो फिर कानून का खौफ कैसे रहेगा, किसमें होगा?